स्टार प्लस के ब्लॉकबस्टर शो पांड्या स्टोर पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ी खबर। इस शो में बहुत ही जल्द आने वाला है लीप। लीप के बाद इस शो में नताशा के साथ अनुपमा फिल्म ए टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या है पूरी खबर आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार प्लस के पांड्या स्टोर को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। पहले इस शो में हमें मेन लीड्स के तौर पर देखने को मिला था साइनी डोसे, कानबर ढिलोन, एलिस कौशिक, सिमरन बुटरप, अंकिता बहुगुना जैसे टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार। इस शो के दूसरे सीजन में हमें मेन लीड्स के तौर पर देखने को मिल रही है प्रियांशी यादव, जो इस शो में हमें नताशा के रोल में देखने को मिल रही है। उनके साथ ही रोहित सांडल इस शो में हमें धवल के रोल में देखने को मिलते हैं। इस वक्त ये न्यूज काफी जरा सुर्खियों में है कि पांड्या स्टोर में बहुत ही जल्द लीप आने वाला है। सोर्सेस से ये खबर निकल कर आया था इस शो में बहुत ही जल्द 7 साल का लीप आने वाला है। लीप के बाद हमें देखने को मिलेगा जो नताशा और धवल है दोनों अलग हो जाने वाले हैं। उसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आया था इस शो में हमें लीप के बाद फलकनाश देखने को मिलेंगे, जिन्होंने पियाली मुंशी को रिप्लेस किया है। अभी खबर ये निकल कर आई है इस शो में लीप के बाद हमें अनुपमा फिल्म सागर पारेख भी देखने को मिलेंगे। सोर्सेस से खबर ये निकल कर आई है इस शो में वो हमें नताशा के ऑपोजिट देखने को मिलेंगे। सागर पारेख हैज बीन रोप फॉर स्टार प्लस पांड्या स्टोर, ही विल बी द न्यू मैन इन नताशास लाइफ पोस्ट लीप। तो उनके एंट्री से इस शो में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और इस शो का टीआरपी बहुत हफ्तों से सिर्फ 1.3 या 1.2 ही निकल कर आ रही है। लास्ट वीक शो का टीआरपी 1.2 निकल कर आया था। आपको क्या लगता है इस हफ्ते शो का टीआरपी क्या निकल कर आने वाली है और आपको क्या लगता है लीप के बाद क्या शो का टीआरपी इंक्रीज होगा या नहीं, आप कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।